बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल योर स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट योर होम एंड डूइंग योर स्टडी। सो टुडे, एज यू ऑल नो दैट इन द प्रीवियस लेसन वी वर स्टडीइंग अबाउट हाउ वी कैन क्रिएट आवर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। सो इन दैट लेसन वी लर्न हाउ वी कैन इंसर्ट इमेजेस एंड हाउ वी कैन इंसर्ट द स्लाइड्स। आई होप यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ इशू इन दैट लेसन। सो टुडे इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू लर्न हाउ वी कैन इंसर्ट सम पिक्चर्स, वीडियो, ऑडियो एंड बेसिकली हाउ वी कैन चेंज द बैकग्राउंड स्टाइल एंड इफेक्ट्स इन अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। सो लेट्स स्टार्ट। सो एज यू ऑल नो दैट व्हाट आर द स्टेप्स टू ओपन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, सिंपली जस्ट हैव टू क्लिक ऑन द स्टार्ट मेन्यू, क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स एंड देन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड देन एट द एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट 2007। ओके, यहाँ पर मेरे पास एक ऑलरेडी मैंने फाइल क्रिएट कर ली है, ठीक है, सो दैट मुझे इसमें कुछ टाइप करने में टाइम वेस्ट ना हो। ओके, एज यू ऑल नो इन द प्रीवियस लेसन वी जस्ट लर्न दैट हाउ वी कैन इंसर्ट स्लाइड्स इन पावर पॉइंट। हम पावर पॉइंट में स्लाइड्स किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं ये हमने लास्ट लेसन में देखा था। सो एज यू ऑल नो दैट इन दिस स्लाइड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, लेट मी गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट दिस स्लाइड्स। आई हैव स्लाइड्स 6 of 15, सो दैट मीन्स राइट नाउ आई एम ऑन द सिक्स स्लाइड। एज यू कैन सी द नंबर इज 6 एंड टोटल नंबर ऑफ स्लाइड्स आर 15। ओके, सो आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आप किसी भी स्लाइड को ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। कैसे? लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वॉन्ट टू डिलीट दिस स्लाइड, देन सिंपली आपने क्या करना है, राइट क्लिक किया यहाँ पर और क्लिक ऑन दिस डिलीट स्लाइड ऑप्शन। जैसे आप डिलीट पर क्लिक करेंगे तो आपकी वो स्लाइड डिलीट हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास टोटल स्लाइड कितनी है, 8 of 14, 14 स्लाइड हैं टोटल। और इस वक्त मैंने किस स्लाइड पर क्लिक किया हुआ है, 8। एज यू कैन सी दिस इज नंबर 8 और यहाँ हमारे मेरे पास सामने 8 स्लाइड ओपन है। ओके, सो इसमें हम पढ़ेंगे हम बेसिकली किस तरह से अपनी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एज यू ऑल नो, इफ यू वांट टू इंसर्ट एनी काइंड ऑफ पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप्स, ऑडियो और वीडियो, यू विल सिंपली यूज दिस टैब, इंसर्ट टैब। सो यू हैव टू क्लिक ऑन दिस इंसर्ट टैब एंड देन क्लिक हियर पिक्चर। ओके, एज यू विल सी देयर इज नो पिक्चर राइट नाउ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम हेयर यू हैव टू सेलेक्ट योर पिक्चर फोल्डर। ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल आई हैव पिक्चर्स ऑन माई डेस्कटॉप एंड देयर इज अ फोल्डर विद द नेम ऑफ वेबसाइट एंड एट द एंड आई हैव दिस फोल्डर इमेजेस एंड आई विल चूज दिस इमेज एंड क्लिक ऑन दिस। ओके ओके, आई हैव दिस इमेज ऑफ गूगल फोटोज। सो एज यू कैन सी यहाँ पर मैंने पिक्चर इंसर्ट कर लिया। ऑन द सेम वे ऑन योर नेक्स्ट स्लाइड इफ यू वॉन्ट टू इंसर्ट योर क्लिप आर्ट, सो यू कैन ऑल्सो इंसर्ट योर क्लिप आर्ट। सो हाउ यू कैन इंसर्ट इट, सिंपली जस्ट क्लिक ऑन दिस क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट बेसिकली आर सम रेडीमेड फाइल्स दैट आर प्रेजेंट इन योर कंप्यूटर। क्लिप आर्ट कुछ ऐसी फाइल्स होती हैं जो कि ऑलरेडी आपके किसी डाटा से रिलेटेड आपके कंप्यूटर में स्टोर होती है। लाइक यहाँ पर मैं अगर टाइप कर देती हूँ, मैं यहाँ टाइप कर देती हूँ कंप्यूटर, ओके, एंड क्लिक ऑन दिस गो ऑप्शन, इट विल टेक सम टाइम। ओके, नाउ एज यू कैन सी देयर आर सम पिक्चर्स रिलेटेड टू द कंप्यूटर, यू विल चूज एनी वन ऑफ देम। लेट मी चूज दिस वन एंड दिस वन। ओके, सो क्लिप आर्ट आर बेसिकली रेडीमेड फाइल्स। यू कैन ऑल्सो एडजस्ट द साइज ऑफ अ पिक्चर, साइज ऑफ अ क्लिप आर्ट, हाउ मच यू वॉन्ट इट। ओके, एंड इन द नेक्स्ट स्टेप वी आर गोइंग टू लर्न हाउ वी कैन इंसर्ट शेप्स। एज यू नो यू कैन, इफ यू वॉन्ट टू इंसर्ट डिफरेंट काइंड ऑफ शेप्स, यू कैन ऑल्सो यूज दिस क्लिप आर्ट, दिस शेप्स। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वॉन्ट टू इंसर्ट दिस शेप, then simply I will draw here, okay, and you can adjust it according to your position. Okay, and the next point is smart art. What is basically smart art?
Smart art is very important step in a presentation. For example, if you are doing your science project or any other social study project, so what is the basically use of smart art? Why you are using smart art? So smart art is basically used if you want to insert different kind of circles, different kind of processes. Like आपने साइंस में पढ़ा होगा कि हमारे पास फिश का एक प्रॉपर लाइफ साइकिल होता है, ह्यूमन का एक प्रॉपर लाइफ साइकिल है. तो उन लाइफ साइकिल्स को आप डिस्क्राइब करने के लिए या उनको ड्रा करने के लिए वी विल यूज स्मार्ट आर्ट. तो आप सिंपली, मैं अगर यहाँ पर एक छोटी सी आपको एग्जाम्पल दूँ, अगर यहाँ से मैं सर्कल पर क्लिक कर दूँ और यहाँ से मैं चूज कर लेती हूँ दिस वन, यू कैन चूज एनी वन ऑफ देम, ओके, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, एंड देन क्लिक ऑन ओके. ओके, सो सिंपली इसमें आप क्या कर सकते हैं, ये जो आपको टेक्स्ट बॉक्स की ऑप्शन मिली है, यहाँ पर आप अपना टेक्स्ट क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी चीज टाइप कर सकते हैं. लाइक फिश है तो उसका प्रॉपर लाइफ साइकिल आप ड्रा कर सकते हैं. जैसे आप इसमें कुछ एडिटिंग करेंगे, लाइक मैं अगर करूँगी इसमें फिश, ठीक है, सो इट विल ऑल्सो शो हेयर दिस फिश. तो आप इस तरह से अपनी कोई भी जो है लाइफ साइकिल को इजीली ड्रा कर सकते हैं और उसका साइज आप क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट. ओके, सो एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, समटाइम हम इस स्मार्ट आर्ट को या हम इस पिक्चर को एडिट करना चाह रहे हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपने उस चीज को सिलेक्ट किया हो व्हाइल डूइंग दैट वर्क. ओके, फॉर एग्जाम्पल कैसे, लाइक इस वक्त मेरे पास कोई भी यहाँ पर जितने भी टैब्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो आप यहाँ पर गौर करें, मैं जैसे ही इस स्मार्ट आर्ट पर क्लिक करती हूँ तो मेरे पास दो एडिशनल टैब्स आ जाती हैं, ठीक है. द फर्स्ट वन इज विद द नेम ऑफ डिजाइन एंड द नेक्स्ट वन इज फॉर्मेट. सो ये बेसिकली शो कर रही है कि आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, डिजाइन में किसी भी किस्म की उसकी डिजाइन या शेप वगैरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है. अब ये देखो, जैसे ही मैं इसको मूव करवाऊंगी तो ये उसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है. ओके, नेक्स्ट फॉर्मेट. फॉर्मेट में बेसिकली क्या होता है, फॉर्मेट में आप उसकी डायरेक्शन, उसकी पोजीशन वो चेंज कर सकते हैं इजीली, या उसकी बैकग्राउंड, पिक्चर का बैकग्राउंड क्या है, पिक्चर के इफेक्ट्स क्या है, उसको आप इजीली चेंज कर सकते हैं. सो इंसर्ट टैब में आपने प्रैक्टिस करनी है, हम पिक्चर किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं, क्लिप आर्ट किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं, हाउ वी कैन इंसर्ट शेप्स एंड स्मार्ट आर्ट. ओके, यू कैन आल्सो डू द प्रैक्टिस ऑफ चार्ट, हाउ वी कैन इंसर्ट चार्ट. ओके, बट राइट नाउ आई एम नॉट गोइंग टू डू वर्क विद द चार्ट्स, वी विल डू दिस इन आवर नेक्स्ट लेसन. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज डिजाइन. डिजाइन इज वन ऑफ द यू नो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट लुक्स वेरी नाइस. तो डिजाइन के थ्रू बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, हेयर यू कैन सी देयर इज अ बार ऑफ डिफरेंट कलर्स. ओके, योर स्लाइड्स आर शोज हेयर इन डिफरेंट कलर्स, यू कैन चूज एनी वन ऑफ देम. लाइक इफ आई एम जस्ट मूविंग माई माउस पॉइंटर ऑन दिस डिजाइन, सो इट विल ऑटोमेटिकली चेंज द स्टाइल ऑफ माई स्लाइड्स. एज यू कैन सी द फर्स्ट स्लाइड विल बी इन हॉल कलर एंड द नेक्स्ट वन देर इज अ सिंपल यू नो बैकग्राउंड टच ऑफ विद दिस कलर. सो डिजाइन इज वन ऑफ द मोस्टेस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट इन अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन. आपने डिसाइड करना होता है आप कौन सा डिजाइन चूज कर रहे हैं, आप कौन सा थीम चूज करेंगे. लाइक फॉर एग्जाम्पल आप प्लांट्स पर स्टडी कर रहे हैं, तो प्लांट्स पर स्टडी करने के लिए आप डेफिनेटली जो कलर चूज करेंगे दैट शुड बी इन कलर ऑफ ग्रीन, लाइट ग्रीन, व्हाइट एंड सम मिक्सचर ऑफ ग्रीन एंड व्हाइट. ओके, सो एंड इफ यू आर स्टडिंग ऑन इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी, देन यू कैन चूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लैक ब्लू. ओके, सो दिस काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन यू मस्ट हैव रिमेम्बर. ओके, द नेक्स्ट वन इज द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी इज एनिमेशन. ओके, नाउ एनिमेशन एंड ट्रांजिशन, दे आर वन ऑफ द मोस्टेस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन. वॉट इज बेसिकली द एनिमेशन? एनिमेशन इज बेसिकली द मूवमेंट ऑफ योर टेक्स्ट. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई वी आर मेकिंग दिस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, हम इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को क्यों क्रिएट कर रहे हैं. सो बेसिकली पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज यूज्ड
is used if you want to convey your message to large amount of audience or to any number of people, then you will use your PowerPoint presentation. What you will do, you can insert different kind of pictures, your video, and you can type some points in text form, and simply you can convey your message or idea to your audience. Okay, so the next topic is animation. So first of all, the इसमें यहाँ पर आपको एक टॉपिक मिलेगा ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड. एक टॉपिक इसमें है यहाँ पर हमारे पास मिलेगा ट्रांजिशन, और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एनिमेशन. यहाँ पर मैं जो वर्जन यूज कर रही हूँ वो है मेरे पास 2007. ओके, आप अगर कोई और यूज करें 2010 है, 2013 है, या भी कोई और है, तो उसमें यहाँ पर आपको एक एडिशनल टैब मिलेगी. यहाँ पर मिलेगी एनिमेशन से पहले ट्रांजिशन, डिजाइन के बाद मिलेगी आपको ट्रांजिशन. और बिकॉज मेरे पास वर्जन 2007 है, तो इसमें यहाँ पर आपको ट्रांजिशन का नेम नहीं मिलेगा. अब नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ट्रांजिशन? ट्रांजिशन इज बेसिकली द मूवमेंट ऑफ योर स्लाइड्स फ्रॉम वन साइड टू अनदर. ट्रांजिशन शोज द मूवमेंट ऑफ योर स्लाइड्स फ्रॉम वन साइड टू अनदर. ये एक तरह से मूवमेंट होती है, आपकी जो पूरी स्लाइड्स होती है मूव करती है किसी एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन. लाइक कैसे, इस वक्त मैंने स्लाइड नंबर 7 पर क्लिक किया है. ओके, और यहाँ पर ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड. हम इस स्लाइड पर ट्रांजिशन ऐड करना चाह रहे हैं. सो व्हाट वी विल डू, वी विल, इफ आई विल चूज दिस स्लाइड, सो एज यू कैन सी कि उसने एक डायरेक्शन में मूव किया है. इसका नेम भी अगर मैंने माउस पॉइंटर इस पर रखा हुआ है तो नीचे नेम शो हो रहा है ब्लाइंड्स हॉरिजॉन्टल. ओके, लेट मी चूज दिस वन, दिस इज ब्लाइंड्स वर्टिकल. ठीक है, ये वर्टिकल में मूव करेगी, और यहाँ से आप इसकी स्पीड सेट कर सकते हैं आपको किस स्पीड में चाहिए. ठीक है, स्लो अप्लाई टू ऑल. ठीक है, मुझे इनकी मूवमेंट स्लो में चाहिए ताकि मैं इसको इजीली देख सकूं और आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें. अगेन मैं इस पर क्लिक करती हूँ. ठीक है, तो ये मेरे पास रैंडम बार्स की फॉर्म में शो हो रहा है. सो ट्रांजिशन से बेसिकली क्या होता है, आपका आपकी जो स्लाइड्स होती है वो मूव करती है किसी एक साइड से दूसरे साइड में. इसके अलावा अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड पर क्लिक करूँ और यहाँ पर मैं क्लिक करूँ, और तो ये आप काफ़ी ज़्यादा इसमें ऑप्शंस मिलेंगे हाउ यू कैन इंसर्ट योर स्लाइड्स. आप अपनी स्लाइड्स पर ट्रांजिशंस किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं. तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो वो देखिए बैकग्राउंड पे वो मूव भी करेगी. ठीक है, ओके. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ वी कैन इंसर्ट एनिमेशन. जिस तरह से हमने ट्रांजिशन इस पे अप्लाई किया है उसी तरह से एक हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है एनिमेशन. एनिमेशन इज बेसिकली द मूवमेंट ऑफ योर टेक्स्ट, योर इमेजेस एक्सेट्रा. जिस तरह से आपकी स्लाइड्स मूव की हैं और इसे हमने नेम दिया है एज अ ट्रांजिशन. सो अब हमारे पास इस तरह से जो हमारे पास ये जो मैंने ऊपर टेक्स्ट टाइप किया हुआ है या जो पिक्चर इंसर्ट की हुई है इसको भी हम इजिली मूव करवा सकते हैं. ठीक है, ताकि ये दिखने में और ज्यादा अच्छी लगे. ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास कस्टम एनिमेशन की एक ऑप्शन है. ठीक है, आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है कस्टम एनिमेशन, और यहाँ पर ये आपके पास बार अपीयर हो जाएगी. बिकॉज माई वर्जन इज 2007, सो इट विल अपीयर ऑन दिस राइट हैंड. बट इफ यू आर यूजिंग अदर देन 2007, देन यू कैन सी हियर द बोथ द टैब्स ट्रांजिशन एंड एनिमेशन. सो हियर एज यू कैन सी देयर इज अ ऑप्शन ऑफ एड इफेक्ट. If you want to add your effects to your text, then you can use it. Okay? So simply आपने अब इसको enable करने के लिए करना क्या है, मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ, this is not enable right now. So what I will, simply you just have to click on this option. ठीक है, इस option पर आपने click करना है, और यहाँ पर आपके पास add effect की option है. ठीक है, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया इस text पर, this option become enable. So you just have to click on this option, and the next option is entrance. These are basically the different effects of your animation. You can choose any one of them to your slide. Like if I will choose this entrance and I will choose this box. Okay. So what it will happen, your text will move in the form of box. You can also set the speed very slow. As you can see, the box is yes, this is a box type animation. Okay, let me, if you want to move your picture, simply click on this picture. Next, let me choose spin. Spin means in the round form, it will be in
one direction and then it being set back on your frame. Okay, next, click on this next image. As you can see, this is not enabled right now. Simply how it will enable, click on your text, click on this your add effect option, and here now let me choose this one entrance and I will choose this diamond. So it will appear in the form of diamond. Okay, it will appear in the shape of diamond. So basically transition and animation, these both effects are used to make your slides look more beautiful, more effective, and it have a more effect on your audience. They will try to understand and they will take interest in your slides. Okay, so what you have to do, you simply just have to do the practice of how we can apply animation and transition to your text and slides. Okay, and you keep in mind that you are also using this portion, like if I'm clicking on this my text, as you can see there's not any kind of option enabled right now. So if I will click on this option, so as you can see there's a number of list which appears right now. So what is the meaning of right now? On click, on click basically shows how your data will represent. And like if you want to move your slides with the help of mouse, or if you want to set your slides with time. Okay, and the next option is direction. Which kind of direction you want? Like if I will click this out, so it will move out your data. Okay, and if I will click this on in, okay, तो ये बाहर से अंदर की तरफ, you know, आपको आपके जो effect है वो appear होगा. ठीक है, एंड द लास्ट ऑप्शन इज व्हाट काइंड ऑफ स्पीड यू वांट. लाइक इफ आई विल चूज वेरी फास्ट देन इट विल मूव माय टेक्स्ट माय स्लाइड्स वेरी फास्ट. सो यू कैन चूज द स्लो. दिस इज द बेस्ट टू शो यू नो योर प्रेजेंट योर डाटा. सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल द क्लास. यू सिंपली जस्ट हैव टू डू द प्रैक्टिस हाउ वी कैन इंसर्ट एनिमेशन एंड ट्रांजिशन. So now the last topic we are going to cover today is how we can change the background effects. Okay, so the last topic we are going to cover is how we can set the slides in your hall page. Like अब डेफिनेटली आप जब इसको प्रोजेक्टर पर प्रेजेंट करेंगे तो इतनी छोटा अगर आपने लिखा हुआ है छोटा छोटा डाटा तो वो आपको देखने में भी प्रॉब्लम होगा, और जो रीडर है जो उसको रीड कर रहा है या जो उसको जिसके लिए आपने प्रेजेंटेशन स्लाइड्स क्रिएट किया है सो उसको भी प्रॉब्लम होगी कि हम इसको किस तरह से अंडरस्टैंड करें. सो उसके लिए आपने सिंपली करना क्या है, आपने उसके लिए करना है लाइक अगर मैंने यहाँ से स्लाइड स्टार्ट की थी, ठीक है, तो आपने सिंपली क्या करना है, जस्ट हैव एज यू कैन सी देयर इज ऑप्शन ऑफ स्लाइड शो. ओके, सो आपने इस स्लाइड शो पर क्लिक करना है. ओके, सो एज यू कैन सी जैसे ही आप माउस से नेक्स्ट क्लिक करेंगे या अपने कीबोर्ड से नेक्स्ट एरो की प्रेस करेंगे सो योर टेक्स्ट विल शो. ठीक है, ठीक है, ये वो सबसे पहले हमारे पास इस पर ट्रांजिशन इफेक्ट्स अप्लाई होंगे, देन animation this speed is bigger fast mein. So this one is transition and that one is animation. Okay, is par kafi slow humne apply kiya tha. Theek hai, ye jo spin wala humne is pe apply kiya hai. Okay, I hope this is clear to all the students how to apply animation and transition effects and how to change background design. Okay, you can simply choose any design from this and apply to your data. Okay, and one more thing, as you can see, if I will apply this one, background styles, this is very important. Background style is basically the theme of your style. If you will click this, so as you can see this is a purple color. Okay, यू नो यहाँ पर अगर गौर करें तो मुझे यहाँ पर बॉक्सेस की फॉर्म में मिलेंगे बॉक्सेस. सो आप इसको भी चेंज कर सकते हो अगर आप इसका स्टाइल चेंज करना चाह रहे हैं,
तो ये आप जो मेन पेज है जो आपको बिल्कुल ही व्हाइट कलर में यहाँ पर शो हो रहा है, तो ये आप इसका बैकग्राउंड ये जो कलर है इसको भी आप इजीली सेट कर सकते हैं। ठीक है, आप इसमें से कोई भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके पास यहाँ पर ऑप्शन मिलेगी फॉर्मेट बैकग्राउंड, सो फॉर्मेट बैकग्राउंड में आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी से इसमें कोई भी अपना बैकग्राउंड फिक्स कर सकते हैं। लाइक इफ यू वांट टू इंसर्ट योर पिक्चर और टेक्स्ट सॉलिड फिल, अब ये देखें सॉलिड उसने उसको डार्क फिल कर लिया है। ग्रेडियंट में क्या होगा, वो आपको टोन देगा। ग्रेडियंट बेसिकली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेडियंट, कि एक तरफ से वो डार्क होता है दूसरी तरफ से वो लाइट होता है। ठीक है, टेक्सचर ऑफ कलर मिलता है आपको, एक साइड से वो डार्क है दूसरी साइड से वो लाइट में। लाइक अगर हम इस पर गौर करें तो यहाँ पर हमें पर्पल एक डार्क कलर मिलेगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम नीचे की तरफ मूव करें या दूसरे डायरेक्शन में मूव करें तो उसमें हमें लाइट में मिलेगा सेम कलर। सो दैट इज बेसिकली ग्रेडियंट। सो यू हैव टू यूज दिस वन टू मेक योर स्लाइड्स लुक मोर इफेक्टिव एंड इंटरेक्टिव। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल द क्लास। लेट मी रिपीट ऑल द पॉइंट्स वंस अगेन। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने कोई भी स्लाइड्स क्रिएट करने के लिए आप कोई भी इसमें यहाँ पर न्यू स्लाइड के ऑप्शन पर क्लिक करें, देन यू कैन इंसर्ट पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप्स, स्मार्ट आर्ट, एंड इफ यू वॉन्ट टू ड्रा टेबल यू कैन ऑल्सो चूज दिस वन। दिस इज सेम एज दिस इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। नाउ हाउ यू कैन चेंज योर डिजाइन, यू कैन ऑल्सो चेंज द डिजाइन ऑफ योर बैकग्राउंड इमेज एज वेल योर बैकग्राउंड स्लाइड्स। नेक्स्ट इज हाउ, वट इज बेसिकली एनिमेशन, वट इज बेसिकली ट्रांजिशन। ट्रांजिशन इज बेसिकली द मूवमेंट ऑफ योर स्लाइड्स फ्रॉम वन साइड टू अनदर और फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अनदर। The next one is what is custom animation or what is animation? Animation is basically the movement of your text, the movement of your pictures which are shown here. Okay. And at the end, you have to change your background option, and you must have to keep in mind that what kind of position you want to show while you're presenting your slides to your audience. Like it should be on a slow, medium, and fast. Okay. So I hope this is clear to all the class. And you don't have any kind of problem in this. So what you have to do, simply you have to choose any topic. You have to choose any topic from like education, sports, games, football, etc. You can choose any topic and you have to prepare slides at least 7 to 8 slides. Okay, your assignment should contain 7 to 8 slides, and then you have to send it back me on the Google Classroom. And if you have any problem, then you can ask me on Google Classroom. So I hope this is clear to all the class.